नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना घरिंडा चौक में एक गाड़ी और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर जख्मी। जालंधर पठानकोट रोड पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर ट्रक से भिड़ी, 2 युवकों की मौके पर मौत, 3 घायल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नववर्ष पर कई ऐतिहासिक फैसले लेने का किया ऐलान। जंडियाला गुरु में एक नौसरबाज ने सुनार की दुकान से 21.5 लाख रुपए की ठगी को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर के हल्का अटारी के अंतर्गत आते थाना घरिंडा चौक में नए साल पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक तेज रफ्तार वाहन ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो और गाड़ी के बम्पर के परखच्चे उड़ गए और ऑटो में बैठे 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं गाड़ी में बैठे युवक को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मौके पर अटारी विधानसभा क्षेत्र के DSP प्रवेश चोपड़ा पहुंचे और कहा कि उनके द्वारा जाँच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ऑटो में जो युवक बैठे थे वह कहाँ के रहने वाले थे और किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम दिलजीत है जी। दिलजीत जी, की होया वा, की घटना वापरी है? सर, राती 8:30 के करीब ना बंदे आ रहे सी खासा सैलर तो अटारी नू वापस पिंड नू जा रहे सी। पिछों वरना गड्डी वाला आया, 180 दी स्पीड ते आ रहा है ते उहने बैक साइड तो मारिया वा ऑटो दे विच। एक बंदा तो इतने मौके पर डैथ हो गई, 12 जने ही टोटल। एक बंदे की मौके पर डैथ हो गई, 3 जने हॉस्पिटल होया। मरन वाले बंदे जिहड़े 4 बंदे मर गए। कित्थों दे रहने वाले तुहाडे की लगदे आ? ये नेस्टे पिंड तो रहने वाले, ये मेरे नाल लेबर काम करदी, कारगो का काम करदे आ, मतलब वेट लिफ्टिंग का, जिदा बोरियां लाउणियां चढ़ाउणियां। तो 4 मुंडे मर गए, एक का नाम सोनू है, एक का नाम हैगा सविंदर आ, एक का नाम काका वा, एक मुंडा हैगा वा जिंदा। हाँ जी, 4 बंद की डैथ हो गई है, बाकी बंदे जिहड़े आ वो रोड़ा हॉस्पिटल दे विच एडमिट है। की हालात की है जिहड़े बाकी बेचारे? उन्होंने भी सर इदा वा कि लत्तां टुट गई वा, मतलब कि वह भी गंभीर ही, अजे कुछ फिलहाल कह नहीं सकते, 100% कह नहीं सकते कि हाँ बच जाएंगे, क्लीयर नहीं है। जालंधर में पठानकोट रोड पर भयानक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 11 बजे के करीब बताई जा रही है। कार सवार 5 युवक पठानकोट से जालंधर आ रहे थे। पठानकोट जालंधर रोड पर गांव ब्यास पिंड के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार डिवाइडर को पार कर दूसरी तरफ चली गई और पठानकोट जा रहे ट्रक में जा घुसी। इस भयानक हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों और घायल युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पहचान और पोस्टमार्टम के लिए जालंधर के सिविल अस्पताल में रखवा दिए हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भवानीगढ़ के गांव घराचों में रुके और आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नए साल में जनता की भलाई के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। इस दौरान लोगों से सुझाव भी लिए गए तो वहीं लोगों ने भगवंत मान का दिल से स्वागत किया। इसी तरह संगरूर की चीमा मंडी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लोगों से मिले और लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चीमा मंडी के लोगों को नए साल में नई सौगात देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यहां सब तहसील कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहां लोगों को सारी सुविधाएं एक ही जगह में मिलेगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। परिवार समेत नए साल दी बहुत बहुत बधाइयां, परमात्मा करे नवा साल ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ
आम जी गल पर लोग कहते हैं कि पहला कदम मुख्यमंत्री खड़े नहीं नहीं खड़े ताइयो घरे वाले जंडियाला गुरु में ठग चोर व लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक ताजा मामले में बीए ज्वेलर्स के मालिक आकाशदीप सिंह से 21.5 लाख रुपए की ठगी होने की खबर सामने आई है। इस संबंधी ज्वेलर आकाशदीप सिंह ने बताया कि हाल ही में 26 नवंबर को उनकी दुकान पर एक शख्स आया जिसने अपना नाम नायक बताया और कहने लगा कि वह राजस्थान से आया है और जंडियाला गुरु में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। उक्त शख्स ने ये भी बताया कि उसकी पत्नी बीमार है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए उसने अपने सोने के गहने रखकर पहले 11 लाख रुपए, दूसरी बार 16 लाख रुपए और फिर 26 दिसंबर को दोबारा आया और सोने के गहने रखे और 18 लाख रुपए नकद और 3.5 लाख रुपए के नए आभूषण ले गया। इस बार जब सोने की जाँच की गई तो सारा सोना नकली निकला, जिसके बाद थाना जंडियाला गुरु की पुलिस को इस संबंधी शिकायत दर्ज करवाई गई। इस संबंधी चौकी प्रभारी ने बताया कि उन्हें लिखित शिकायत मिली है कि एक जौहरी की दुकान से 21.5 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसके बाद मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश की जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से इन ठगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील भी की। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। दरखास्त आई आकाशदीप पुत्र बलजीत सिंह वालों, जिन्हें कहा मैं ज्वेलर हाँ तो मेरे नाल कोई 21-21.5 लाख की कोई ठगी कर गया है, मेरे को 16 लाख रुपया 3.5 लाख रुपए के गहने लै गया, मैंने जाली सोना दे गया। जांच करते हैं, दरखास्त साढ़े को पहुंची है, देखते हैं, चेक करते हैं, नाले फोन ट्रेस करके उन्हें कल करते हैं। रात नहीं हुई, पहले भी चोरी हुई है, देखी कल सी। अच्छा, काफी ठगियां अगे भी वजदियां, की कहना चाहोगे सर ठगियों का, ठगा दा कितना? देखो ये तो दुकानदारां नूं चाहीदा है वी अपना जिहड़ा काम वधिया तरीके नाल करन, कोई 16 लाख रुपया थोड़ा नहीं हुंदा जिहड़ा एकदम आपां किसी नूं इदां बिना चैक कीते फड़ाता, बड़ा वड्डा वड्डी रकम आ। थोड़ा दुकानदारां नूं केयर वी रहना चाहीदा। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। श्री हरि मंदिर साहिब में नववर्ष का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में संगत पहुंची। संगत की भक्ति के आगे कड़ाके की ठंड और कोहरा भी फीका पड़ गया। रात 12 बजे नया दिन शुरू होते ही संगत ने कड़ाके की ठंड के बावजूद सरोवर में स्नान किया। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सहित उनके बच्चे और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया समेत कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने गुरु घर में माथा टेक कर नए साल की शुरुआत की। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसजीपीसी सदस्य मंजीत सिंह ने बताया कि 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने कहा कि हमें गुरु के बताए मार्ग पर चलकर और गुरु का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भाई मंजीत सिंह, मेंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नवे साल बारे और नवा साल सारी मनुखता जड़ा है वह मुबारकबाद, चढ़ती कला वाला आपसी प्यार प्रेम स्नेह वाला हो गए और जड़ी नफरत दियाँ साढ़े द्वारा बन गई ने अंदर एक दूजे प्रति, वो द्वारा खत्म होन, उस गल की अरदास जी है वो सचखंड श्री हरिमंदर साहब गुरु रामदास साहब जी के चरणों में की है कि सतगुर सच्चे पातशाह दुनिया में शांति एकता प्यार प्रेम वो सारा कुछ बख्शो, चढ़ती कला बख्शो, तरक्या बख्शो और नाल जी रूस ते यूक्रेन की जंग चल रही है, वो भी मेरी अरदास है कि पुत्र नूं भी थोड़ी जी अपने अकल तो कम लैना चाहिए और जनेसकी उन्होंने भी बैठ के गलबात करके ते ए मसला जिहड़ा हल करना चाहिए। एक जमीन के टुकड़े तो लड़न रहा और ये संसार नूं वर्ल्ड वार वाले धक्या जा रहा, नहीं होना चाहिए। अज के दिन तो मैं कामना करना कि दुनिया शांति होवे, प्यार होवे, एकता उत्पाक होवे, चढ़दी कला होवे, साडा तां धर्म ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वद्दा भला। 2 साल कोरोना दा टाइम वेख्या, इसलिए 2023 चल, कोई कोरोना कराना नहीं हैगा,
सरकार जो आप इलैक्शन होंगे करोना खत्म हो जाता है या अपन रैलियां करने करोना खत्म हो जाता है और जे कोई बीमारी है भी आ तो किन्ने तुहाडे कोल साधन ने सारिया हस्पतालों मुफ्त दवाई दी जाओ रौला पाने की लोड़ भी आ गया आ गया आ गया चला गया करी करी आ गया चला गया दस्या करी किसी ने सो इस करके ये सरकार कहो होगा ना पेश करो वो तो दवाई जो कोई है तो इलाज करो लोगों का फ्री ला दवाई दो कोई करोना कराना नहीं गा कोई डरन की लड़ नहीं मैं लोगों को बेनती करनी चाहना अपने अपने धर्म के विश्वास रखो गुरु से विश्वास रखो बाणी पढ़ो नाम जपो चढ़ती कला चढ़ाओ नौजवानों मैं कहना चाहना जेडे सिंह नाम वाले आता दाड़ा केस रख जेडे सिंह नाम वाले सिख धर्म को बिलोंग करते हैं जेडे हिंदू वीर ने वह 12 तिलक लाया कर तो जे मुसलमान ने पांच वक्त नवाज पढ़िया कर नाले बांगा दया कर उच्ची उच्ची जो उन्होंने धर्म से लिखा है सो आपो अपने धर्म सब मुबारक लेकिन धर्म किसी ना नफरत नहीं सिखाता प्यार स्नेह सिखाता है सो आपो अपने अकीद्या कायम रहिए पर आ घर जोड़ा सारे धर्मों का साझा है ये अवर अल्ला नूर आ पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वरना को साझा आ सारे धर्मों के लोग मैं अंदर दर्शन करके आया सारे धर्मों के लोग उत्थे नतमस्तक होने वास्ते बाबा बुढ़ा साहब की बेर तक लाइना लगिया हुई ने सो जिहड़ा चंगे भाग होणगे दर्शन करनगे माड़े भाग होना वो बेचारे क्या करे जां भाग तुर मंदे जिन्हां तुर मंदे भाग वो बैठे निंदा करन डे होणे आ चुगली करन डे कुछ श्रोमणी कमेटी नूं कही होऊ अकाल तख्त बारे उहनां नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा जिहड़े वट्सएप दे शेयर बणे आ ना जां फेसबुक दे उन्हों मैं कहना चाहता इस चक्कर व्यू चो बाहर निकल अस हकीकत को पछाणो हकीकत की है श्रोमणी कमेटी किड्डी वड्डी संस्था सिखां दी कितने फांसी दे फंदियां नूं ला जाके पुछो भी किन्ने किन्ने फांसी चुकी किहदी जमीन कुरक होई आ किन्ने जेल कट्टी आ किन्ना दे परिवार जुड़ गया जिहड़ी निक्की पीढ़ी नूं अजे पता नहीं बेचारे मैं समझाउणा चाहुंदा मेरे बच्चियां वर्गे आ भी वो इन्हां जिहड़े झूठा प्रचार आ उहदे तों बिलकुल जिहड़े सावधान होण और गुरु घर नूं आण के मत्था टेको गुरु नूं मन्निए दाड़ी केस रखिए अमृतधारी होइए पंज ककारां दे धारनी हो के पंज बाणियां पढ़िए। मेरा नाम दलीप सिंह है जी, असी यमुनानगर हरियाणे तो आए हैं जी। की करन आए और की मंगिया रब को? असी परसों रोज आए से जी, परसों तो असी आए सी इत्थे करतारपुर साहब भी दर्शन किए ने, पहले दरबार साहब करके पाकिस्तान गए सी कल। अच्छा जी। कल पाकिस्तान दर्शन करके उतों फिर असी कल परते हैं तो फिर अज इत्थे फिर दर्शन करन आए हैं कि यही मंगते हैं परमात्मा तो कि भाई वाहिगुरु चढ़दियां कलां च रखे और इस तरह ही सानू नाल पर परमात्मा दे नाल जोड़ी रखे। असी मत्था टेकने इसलिए आए हैं जी भी जिन्ना भी अपनी सारी दुनिया है, सारी दुनिया लई यही अरदास करन आए हैं भी जिनी भी दुनिया नशे दे विच दल दल दे विच फसी हुई है परमात्मा उन्होंने मत बख्शे। असी तां वाहिगुरु वल्लों यही अरदास करन आए हैं और इसे लई मत्था टेकन आए हैं भी सारी दुनिया का भला होवे। साडे संसार का बहुत बुरा हाल होया पिया, नशियां ने साडे सारे बच्चों का वह करया पिया, सारी खराबी करी पी है भी साड़ी परमात्मा वालों यही अरदास है भी साडे असी यही दो टाइम यही अरदास करते हैं, इसलिए उरे मत्था टेकना है अमृतसर साहब भी सारी दुनिया का भला होवे, जिन्ने बच्चे ने नशे चो निकलना सब का भला होवे, असी तां यही दोनों टाइम अरदास करते हैं। देश भर में नए साल की शुरुआत हो चुकी है और लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचे और उन्होंने पंजाब की तरक्की और विकास की दुआ की। कुलदीप सिंह धालीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेक पंजाब की तरक्की और चढ़दी कला के लिए अरदास की है और ईश्वर से बल मांगा कि वे हमेशा पंजाब के हित के लिए आवाज उठाएं और उसे पूरा कर सकें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरु रामदास जी के घर आके नवे साल ली पूरी दुनिया के अंदर सुख शांति रहे, पूरी दुनिया विकास करे, भारत विकास करे, साडा पंजाब विकास करे, साडा अमृतसर विकास करे, ये अरदास करके आए और अरदास की है कि परमात्मा इन्ना क बल बख्शे कि आपां 23 दे विच पंजाब नूं जिहड़ा एक चंगे रस्ते लैके जाइए और पंजाब दी जिहड़ी तरक्की करिए यही अरदास। संगरूर के मस्तुआना साहिब में 460 बेड का और 460 करोड़ रुपए की लागत के साथ संत अतर सिंह मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त 2022 को संगरूर के मस्तुआना साहिब में किया था।
जिसके लिए गुरुद्वारा संत बाबा अतर सिंह मस्तुआना के अंगीठा साहिब के नाम की जमीन जो 25 एकड़ थी उसकी रजिस्ट्री भी मेडिकल कॉलेज के नाम हो गई थी, लेकिन अभी तक वहां पर काम नहीं चला क्योंकि बाद में एसजीपीसी ने उस पर 23 अगस्त 2022 को स्टे ले लिया था। उक्त बातों का प्रगटावा पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर में प्रेस वार्ता के दौरान किया। इसके साथ साथ एसजीपीसी और अकाली दल को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि संगरूर और इसके आसपास के इलाके के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपील करते हुए कहा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने दें। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू करनी थी, लेकिन अभी 23 फरवरी की अगली तारीख कोर्ट में है। एसजीपीसी ने जो स्टे डाली हुई है इसी को लेकर काम रुक गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर भी चुटकी ली। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। एसजीपीसी 23-8-2022 ਨੂੰ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭੇਜਦੇ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ 6-2-2023 ਹੈ। दुख नाल दसना पै रहा कि हुण तक जे वह किते सच्ची नीयत हुंदी उहनां दी तां 70% कॉलेज बनाया हुंदा सी, ते 1 मार्च नूं चलिया होना सी पहला सेमेस्टर। हुण साडा पहला सेमेस्टर इन्हां ने खत्म कर दिया। तुहानूं याद होना उस दिन तुसीं मैनूं सवाल पुछिया सी वी परमिंदर ढींडसा कहिंदा वी बनना नहीं, सही गल सी। उन्होंने पता सी असीं बन देना नहीं, ये नहीं चाहते कि साढ़े इलाके के लोग पढ़ लिख जाए, साढ़े इलाके के बच्चे पढ़ लिख जाए। लोग इन ढींडसा परिवार को बुरी तरह हराया संगरूर के लोगों ने, वो हार का बदला लेना चाहते हैं कि असीं थोड़े जवाकों को पढ़ नहीं देना। बहुत सारे पिंडां दे बाहर बैठे ने, बहुत सारे पिंडां दे लोगों ने धरना लाया कि जी कॉलेज बन लैण दो, रोको ना। धरना तुसीं रिवर्स तरीके नाल देखते हो जी, काम करा दो साडा, इत्थे लोग कहिंदे काम हो लैण दो जी, कौन जिम्मेवार है? तीन सौ परिवार, मैं नाम लेके कह रहा, क्योंकि उन्हां नूं इह है कि मस्तुआना साहब दे विच साडा कब्जा है। जे कोई होर इत्थे आ गया इत्थे तां रोजगार मिलेगा लोगों नूं, इत्थे डॉक्टरों के रहने वास्ते अकोमोडेशन संगरूर इन्ना डिवेलप होजूगा, इत्थे 300 बेड का हॉस्पिटल नाल बनाना पैंदा, कलॉज है अपना जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल वह अपग्रेड होजूगा, नर्सिंग कॉलेज वास्ते असी सारा कुछ पैसे जारी, मेरे को पैसे की लिस्ट भी है किन्ने जारी करते। असी 7,80,97,000 ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਪਰੂਵਡ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 49,98,76,000 ਰੁਪਇਆ ਬੁਆਇਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਪਰੂਵਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਕਾਲਜ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਝੋਂਕਤੀ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਚੂਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚੂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹ
क्यों नहीं बन दिता इन्होंने कॉलेज? यह कॉलेज तो बनाऊंगा मैं, ये फिक्र ना कर, लोग इस गल का कोई फिक्र ना कर, पता नहीं की हो जूगा। कॉलेज बनूंगा संगरूर दे आले दुआले बनूंगा, मैं कितों 20 एकड़ 25 एकड़ मैं कोई होर दे दूंगा। मैं कोई इतने कोई माफिया नहीं पालना भी ये मेरी जमीन है जो मेरे चाचे की जमीन है जो मैं पहला खरीद के देती जिम्मे इन्होंने कह करते होंगे सी। मैंने तो 20-25 एकड़ कितों होर पंचायत वालों मिल जूगी, कॉलेज बनूंगा। पर इन्हों का असली चेहरा सामने आ गया, लोग इन्हों पुछन जो ये आने, जो अकाली दल वाले जाने संगरूर वाला कॉलेज क्यों नहीं बन दिता, जबकि असी पैसे जारी कर रहे हैं, साडे वालों कोई कमी नहीं। 1 मार्च को पहला सेमेस्टर चलाना सी, इस तो बाद असी हुशियारपुर का कपूरथले का कॉलेज का उद्घाटन करता, उत्थे नक्शे पास हो गए, सब कुछ हो गया, काम चलन लग गया, क्योंकि उत्थे ये नहीं हैगे विच। सो ये संगरूर जिले के मानसा दे बरनाले दे धूरी मेरे को आले दुआले किन्ने लखां लोकां नाल इन्हां ने धोखा कीता, इत्थे किन्ना इनडायरैक्ट ते डायरैक्ट रोजगार मिलना सी, पर नहीं, धरना दे के रखिया लोकां ने, हुण भी चल रहा। जमीन कहिंदे साडी, बाबा जी कोले जमीन दे कुछ कागज ने, बाबा जी जमीन दा तुसीं फर्द दिखाओ, कोई कोई इन्हां दा नां बोलदा कितें? मालक दे नाल बेरवे समेत मेडिकल सिक्ख्या अते खोज विभाग पंजाब सरकार आ चढ़ गई जी, आ गुरुद्वारा साहब रकबा बहादुरपुर, गुरुद्वारा अंगीठा साहब जी, सचखंड साहिब मस्तुआना साहिब, किते कोई एसजीपीसी का लेना देना नहीं। बस यही दिक्कत है कि इत्थे जे कॉलेज बन गया पिंडा दे लोग अपने धिया पुत्तां नूं इत्थे पढ़ाउणगे, डाक्टर बनाउणगे, उन्हां नूं यूक्रेन जाके ते होर धक्के खाण दी लोड़ नहीं पैणी, फिर तां गलत गल हो जूगी। फिर मैं हजे भी यह कहना, परमिंदर ढींडसा जी, सुखदेव ढींडसा जी, सुखबीर बादल जी, जे तुहानूं इह चाह है कि नीह पत्थर ते तुहाडा नां नहीं लिखा जाणा, तुसीं आपदे नां लिख लो, मैनूं पत्थरां ते नां लिखाउण दा कोई शौक नहीं, पर कॉलेज बन लैणा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਠੰਡ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣੇ, ਔਰ 2040 ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਲਵਾਂਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ, ਆਹ ਸਟੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 460 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨੀ ਕੋਈ ਫਰਦ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਲਾਨੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 90 ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਰਹੀ 10 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ 10 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ 90 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ नव वर्ष 2023 के आगाज पर रात 12 बजते ही मां भक्तों ने देर रात मंदिरों में पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी। मां भक्तों ने मां के समक्ष प्रार्थना की कि यह साल सभी के जीवन में खुशियों भरा एवं मंगलमय हो। रात 12 बजे तक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के कपाट खुले रहे, जहाँ भक्तों की आस्था देखने को मिली। इसी तरह नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी व मां भक्तों के सहयोग से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में संगीत में भजन संध्या में शहर के प्रसिद्ध गायक कलाकारों सहित अन्य कलाकारों ने मां की मनमोहक भेंटों से महामाई का गुणगान कर नववर्ष का आगाज किया। इस अवसर पर जहाँ मंदिर परिसर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया, वहीं मंदिर के सेवादारों की तरफ से अनेक प्रकार के लंगर लगाए गए। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव वीएम अरोड़ा, पूर्व अध्यक्ष विनोद गुप्ता, कॉमेडी कलाकार संदीप चेतपतीला, बलदेव आनंद, दीपाली बागड़िया, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, इंद्रजीत सिंह, अश्विनी चोपड़ा, अरुण वर्मा और नीरज मित्तल सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। आगमन के मौके पर थाना कोतवाली में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करवाया गया। इस दौरान एसएसपी जे एलन नचेलियन ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से थाना कोतवाली में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करवाया गया और सरबत के भले की अरदास की गई, ताकि नया साल देश की जनता के लिए खुशियों भरा हो। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर समय मौजूद है। शहर और देश के लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, ताकि देश में शांति बहाल हो सके। सारे नवे साल की मुबारक। आज अपने कोतवाली पुलिस स्टेशन के बठिंडा पुलिस वालों सुखमनी साहिब का पाठ रखा है। आज फंक्शन सी शामिल होने के लिए मैं आए। मेनली ये नवे साल की ये प्रोग्राम रखे के मेन कारण है, जो आने वाले साल के सारे सुख शांति मेंटेन कर रहे हैं और आम पब्लिक की
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और साढ़े पुलिस वालों ला एंड ऑर्डर के क्राइम मेंटेन करने लगी सारे एफर्ट्स कराएंगे और दोबारा मैं सारे नवे साल की मुबारक कहना हमेशा पुलिस के नाल सहयोग करन ट्रैफिक नियमों की पालना करन ड्रंक एंड ड्राइव ना करन और साढ़े वालों जड़े एफर्ट्स करनी चाहिए क्राइम की रोकना के लिए ला एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए वो सारे एफर्ट्स असं कंटिन्यूसली जारी रखांगे और नशे के खिलाफ हमारा लड़ाई है कंटिन्यूली जारी रखनी चाहिए। नव वर्ष 2023 के शुभ आगमन पर श्री सनातन धर्म मंदिर प्रबंधक कमेटी व स्त्री सत्संग सभा की ओर से माता की चौकी श्री सनातन धर्म मंदिर भगत सिंह कॉलोनी में करवाई गई। माता की चौकी में दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, पूर्व CPS KD भंडारी, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ विजय गुप्ता, कॉमेडी कलाकार संदीप चेतपतिला, राहुल राकेश विज, रमेश शर्मा, कांग्रेसी नेता गुरमीत कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता की चौकी में गायक किशोर शर्मा एंड पार्टी ने देर रात तक मां भगवती का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर मुख्य पुजारी पंडित कन्हैया लाल, चेयरमैन विद्यासागर, पाठक प्रधान सुदेश शर्मा, वाइस चेयरमैन रूपलाल, ज्वाइंट सचिव सचिन चोपड़ा, कैशियर ललित गुप्ता, सहायक कोषाध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव, सीनियर मेंबर मनहर पशान, सीनियर मेंबर कुलदीप शर्मा, अनिल मैनी, हर्ष लखनपाल, असीम मिश्रा सहित सभी सदस्यों ने आए हुए मां भक्तों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। उन्मुख सेवा का सुदेश शर्मा जी बहुत ही वधिया तरीके इतने सेवा निभा रहे हैं और जो उनका हाल बनया मैं वह भी काम इस नीति अवन बहुत बड़ी बधाई दी और बाकी दस करूँगा कि नवा साल सारे वास्ते मंडल कमेटी इस तरीके धर्म और समाज की सेवा करती रहे ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।